वेलकम टू अजक फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा की सब्जी। इसके लिए हमने 250 ग्राम राजमा लिए हैं, थोड़े प्याज लिए हैं, एक तेज पत्ता लिया है और एक लाल मिर्च लिए है, लहसुन लिया है और अदरक लिए हैं, जीरा और मिर्च और तेज पत्ता के थोड़े से टुकड़े लिए हैं। तो ये सारे हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं और हम राजमा को, अगर राजमा आपने बनाने हैं, और ये आपका धनिया और ये आपकी हल्दी। राजमा को बनाने से पहले अगर राजमा को रात में रख दिए जाए भिगोने के लिए तो वो आपके जल्दी पक जाएंगे। हमने यहाँ पर प्याज को काट लिया है धो के, और अब हम पेस्ट तैयार करेंगे। कढ़ाई में हमने तेल रख लिया है, सॉरी कढ़ाई नहीं, कुकर में हमने तेल रख लिया है और तेज पत्ता डाल दिया है, और इसके अंदर हम प्याज रख के इसको थोड़ा सा ब्राउनिश कर लेंगे। अब आगे की प्रोसेस ये है कि हम इसके अंदर प्याज वगैरह रख के जब तक थोड़ा सा ब्राउनिश ब्राउनिश कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम दिखाते हैं आपको किस तरह से ये बनेगा। जब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो को बनाने का मोटिवेशन नहीं आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको अगला क्या रेसिपी देखना पसंद करेंगे। अब हमने ये पेस्ट इसका तैयार कर लिया है जो आपको हमने अभी दिखाया था। पेस्ट अच्छे से बनाना है, साफ सफाई से बनाना है। ये पेस्ट भी सारा हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा ब्राउनिश होने के लिए इसमें हम थोड़ी देर ब्राउनिश करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा, इस बहुत ही टेस्टी और मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। इसमें हमने अपने राजमा रख लिए हैं, कश्मीरी लाल राजमा, राजधानी, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये कोई ब्रांड की कोई प्रमोशन नहीं है। तो आप कोई भी राजमा आप इसमें रखिए अच्छे से धोकर, और उसको आप कुकर में जो है अच्छे से डाल के मिक्स कर लीजिए। इसके बाद जो है हमें थोड़ी देर के लिए इसके थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चलिए इसे मिक्स करते हैं हम। ये हमने इसे मिक्स कर लिया, देखिए ये अच्छे से रेडिश हो गया है, थोड़ा सा ग्रनिश ब्राउन। और ये है जो हमने अब पेस्ट बनाया था, ये पेस्ट हम इसके अंदर सारा अब डाल देंगे। तो लीजिए अब हमने इसमें ये डाल दिया है। इसी बीच हमारा बच्चा आ गया है, तो अब आगे देखते हैं। ये हमने इसमें पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट डालने के बाद गाइस आपको इसको अच्छे से हिलाना है। तो अब इसमें हम इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें बस ये हल्दी हमने इसमें डाल दी है, 1½ स्पून। ये धनिया डाल दिया हमने, और नमक तो आप स्वाद अनुसार डाल ही सकते हैं, जितना आपको नमक की क्वांटिटी जितना आपको अच्छा लगे। तो ये हमने नमक स्वाद अनुसार 1½ नमक हमने इसमें डाला है। ये देखिए नमक है, किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, ये हमने डाल दिया। अब इसे हम अच्छे से जो है मिला लेंगे। तो गाइज इसे हम जब तक मिलाते हैं अब तक गाइज एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो मारो। और लाइक नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो गाइज। इसे हमने थोड़ी देर छोड़ दिया है। अब ये हमारा सारा मसाला जो इसमें मिक्स हो गया है और ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है, हमने इसे मिला दिया अच्छे से। अब हम बिल्कुल आखिरी स्टेप में आ चुके हैं। अब ये रोटी के साथ खाने के लिए तो ऐसे बढ़िया होगी, लेकिन अगर आपको हम बना रहे हैं थोड़ी ग्रेवी वाली, तो इसमें अब हम डालेंगे पानी ताकि ये रोटी और चावल के साथ दोनों के साथ खाई जा सके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ग्रेवी लेना चाहते हैं। हमने जो है मीडियम ही साइज का ग्रेवी तैयार करना है, तो उसके हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो चलिए गाइस अभी इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा ये लास्ट स्टेप रह जाएगा। Amazing! तो Amazing! वीडियो पसंद आई है तो एक और लाइक मारो गाइस, लाइक तो बनता है गाइस। देखिए कितनी लिज्जतदार मजेदार राजमा की सब्जी बनके तैयार हो रही है, मुंह से पानी आता हुआ। तो आप भी बना के ट्राई कीजिए गाइस, मजा आ जाएगा आपको। खाने में बड़ा ही टेस्टी और बड़ा ही मजेदार लगेगा। तो ये हमने पानी डाल के इसे मिक्स कर दिया है, और अब हम इसमें जस्ट अब इसमें हम जस्ट जो है पानी डाल के इसको हम इसे अच्छे से
अभी हमने इसे छोड़ दिया इस तरीके से, और इसमें थोड़ा हल्का सा उबाल आ गया है, थोड़ा सा हमने इसमें भी और धनिया डाल दिया है, और आप इसमें थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी रेड पाउडर डाल सकते हो। हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है, आप घर का भी डाल सकते हो होममेड। हमने इसमें MDH का डाला है, कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं, तो हमने गरम मसाला डाल दिया है ये। और अब जो है ये एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे अच्छे से हिला देंगे इसे, और इसे अब हमने, ये हमारी राजमा की सब्जी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो आई होप तो वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं फिर अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।